और जहाँ सिख श्रद्धालुओं को मिला बड़ा तोहफा अमृतसर से श्री पटना साहिब के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी एयर इंडिया ने बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर अमृतसर एयरपोर्ट से तख्त से तख्त श्री पटना साहिब के लिए सीधी उड़ान शुरू की है और पहले श्रद्धालुओं को अमृतसर से साहिब तक जाने के लिए 24 से 36 घंटे तक का ट्रेन में सफर करना पड़ता था लेकिन अब फ्लाइट का खास तौर पर एनआरआई संगत को काफी लाभ होगा कम समय में ही संगत श्री अकाल तख्त साहिब के साथ साथ तख्त श्री पटना साहिब के दर्शन कर पाएंगे और दिवाली दीपावली के दिन पहली फ्लाइट से पटना साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को लोकसभा सदस्य गुरजीत सिंह ओजला ने बधाई दी और खुद भी इससे पटना साहिब तक का सफर किया इससे पहले एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 726 सौ श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट राजा राजा सांसी पहुंची तो वाट, वाटर कैनन की बौछारों से इसका स्वागत किया